साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों आप सभी की डिमांड पर नर्सरी एलकेजी यूकेजी की रिजल्ट सीट भी तैयार करके आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। यह एक्सेल सीट पूर्णतः निःशुल्क है तथा इसको आप गूगल पर हीरालाल जाट लिखकर सर्च करेंगे तो इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये www.rajguruji.com, www.rajsevak.com, www.rajgyan.co.in, www.rajteachers.com, www.salasugam.com और www.aswanikumar.com पर भी अवेलेबल रहेगी। यह एक्सेल सीट कॉपीराइट एक्ट के अधीन है, इसलिए आप इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आप कोई प्रकार की नकल कॉपी करते हो तो ये कानूनी रूप से गलत है तथा उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों ये एक्सेल सीट गुरुदेव के आशीर्वाद से आप तक निःशुल्क पहुंचाई जा रही है तथा आपसे एक विनम्र आग्रह, इस चैनल को youtube.com/hiralaljat इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई किया जाएगा। साथियों आप सभी से विनम्र आग्रह है कि मैं सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहता हूं, क्योंकि मैं वो जो सोशल मीडिया का टाइम है वही टाइम आपके लिए निकालकर इस प्रकार की एक्सेल सीट आप तक तैयार करके भेजता हूं। तो हमें कम समय मिलने के कारण हम किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पर कम रहते हैं, इसलिए आपको अगर कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो जरूर YouTube चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपका जो भी प्रश्न होगा, आपकी जो भी समस्या होगी, उसका समाधान 100% करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा आगे आने वाले समय में किस प्रकार के आपको एक्सेल सीट चाहिए तथा किस प्रकार का यूट्यूब वीडियो चाहिए, वो सारा आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन कर दीजिए। उसके आधार पर हम आने वाले समय में आपके लिए एक्सेल सीट भी बनाएंगे और उस पर यूट्यूब वीडियो भी बनाएंगे। अब हम इसकी जो मास्टर सीट है वो देख लेते हैं। स्कूल प्रोफाइल फिल करने के बाद इस पर एक बात का ध्यान रखना, ये जो हिंदी माध्यम है ये लिखने के लिए आपको गूगल इनपुट जो कॉर्नर के अंदर यहाँ पर आपको ENG या HIS वगैरह लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसको हिंदी फॉन्ट के अंदर कर दीजिएगा। गूगल इनपुट यानी यूनिकोड फॉन्ट के अंदर आप आसानी से इसके अंदर हिंदी के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि ये जो सीट है ये ड्यूल फॉन्ट के अंदर बनी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर मैं यहाँ कृतिदेव या डेवलिसिस या अन्य किसी हिंदी फॉन्ट पर लेता हूँ तो फिर हम इसको ड्यूल लैंग्वेज यानी ड्यूल फॉन्ट के अंदर नहीं बना सकते, उसके लिए हमें गूगल इनपुट का सारा लेना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो फॉन्ट रखा है वो गूगल इनपुट रखा है। आपके कमेंट बॉक्स में खूब सारे कमेंट आते हैं कि सर हम इसको हिंदी में कैसे लिखे, उसका समाधान हमने कर दिया है। इसके अलावा जो तीनों क्लासेज हैं नर्सरी LKG और UKG, इनके सब्जेक्ट टीचर्स क्लास टीचर्स इनको फिल कर दीजिए। साथ में ये लोगों के बारे में भी आपके कमेंट आए हैं, परंतु उन्हीं लोगों के कमेंट आए हैं जिसको समझ में नहीं आया है। बाकी कई सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी कमाल हो गया, हम आसानी से अपने स्कूल का लोगो यहाँ पर सेट करके पीछे जो मार्कशीट वगैरह निकल रही है उस पर आसानी से स्कूल का लोगो प्रिंट करवा रहे हैं। बड़ा ही आसान और सरल तरीका है, यहाँ पर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो चेंज पिक्चर ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और जो भी पिक्चर है उस पर क्लिक करके ये लोगो इंसर्ट यहाँ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे मार्क एंट्री, इसके अंदर नर्सरी के लिए है, उसके बाद में यहाँ पर LKG के लिए है, उसके बाद UKG के अंदर है, यहाँ पर PP+3, 4 और 5 इस प्रकार से चलते हैं, वो हमने ले लिए हैं। आगे जो रिजल्ट सीट है वो भी आप इन तीनों की अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और पीछे जो डेटा आपको चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर आपको क्लास सिलेक्ट करनी होगी। अगर यहाँ पर नर्सरी लिखा है तो फिर पीछे भी रिपोर्ट नर्सरी की ही निकलेगी। अगर मैं यहाँ पर LKG करता हूँ
तो अब ये जो आपकी रिजल्ट सीट है वो LKG की हो चुकी है तथा आगे जितनी भी रिपोर्ट्स हैं तथा मार्कशीट वगैरह है वो सारी LKG की तैयार होगी। एक भाई ने कहा कि हमारे एक तो आ रहा है, दूसरी क्लास की रिजल्ट या मार्कशीट नहीं आ रही है। उसका रीजन यही है कि आप इस पर जाके यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्लास को। जैसे ही यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे आप जो रिपोर्ट चाहते हैं जिस क्लास की चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगी। और साथ में ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, आप अगर स्किप करते हो तो हम छोटी छोटी बातें जो आपको बता रहे हैं वो समझ में नहीं आएगी। ये है टीचर्स रिपोर्ट और विषय अध्यापक वार परिणाम है, ये कैटेगरी वाइज परिणाम है, ये सब आपको बता दिया है पहले से, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिजल्ट एग्रीगेट है, ये भी तैयार है। उसके अलावा यहाँ पर जो फुल मार्कशीट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन किसी भाई ने पूछा है कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कि हमारे एक तरफ तो लोगो चेंज हो रहा है तथा दूसरी तरफ हमारा स्कूल का लोगो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम बता दे रहे हैं भाई कि एक तरफ ही यहाँ पर लोगो चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया है, दूसरी तरफ हमें शिक्षा विभाग का जो लोगो है वो रखना है। ये जो लोगो है वो हमारे शिक्षा विभाग, हमारा जो मदर डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का होना आवश्यक है, इसलिए इसको आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करें। और इधर जो ये लोगो है वो आप अपने विद्यालय का या और कोई लोगो चाहते हैं वो यहाँ से चेंज आप कर लेंगे मास्टर सीट पे जाके। जितनी भी मार्कशीट हैं उन सारी पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मार्कशीट पर जो अति महत्वपूर्ण जानकारी है आपको देनी वो ये है कि मार्कशीट को पूरी तरह से चेंज कर दी है क्लास एक और दो तथा LKG UKG और जो नर्सरी क्लास है उनके लिए मार्कशीट चेंज हो गई है। यहाँ पर आपको जो अंक मिलेंगे वो हिंदी और गणित, इनके अंक आपके 200 में से हो रहे हैं तथा अंग्रेजी विषय के जो अंक है वो 100 में से हो रहे हैं। ये हमने कर दिया, आपने यूट्यूब कमेंट पर जो लिखा है उसके आधार पर फिर हमने गाइडलाइन देखी और गाइडलाइन के अंदर हमें ये चीज़ मिली तो हमने उसके आधार पर ये चेंज किया है। एक बात ध्यान रखें, आप ऐसे ही कमेंट नहीं करेंगे, अगर लॉजिकल है, अगर कई नियम के अंदर है और हम पिछले सालों के नियम देख रहे हैं उस नियम के अंतर्गत आता है तो ही हम चेंज करके अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। वरना वैसे तो पूरे राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति कैसे भी कमेंट कर दे उस आधार पर ये चेंज नहीं होते हैं। आप जब भी कमेंट करें जरूर अपना लॉजिक और जो भी नियम है, निर्देश है और कोई ऑर्डर है, आदेश है तो उसके क्रमांक हमें जरूर भेजिएगा दिनांक सहित, ताकि हम पता करके उसके बाद ही संशोधन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी सूचना दी जा रही है क्लास एक और दो के अंदर भी हमने इसी प्रकार का चेंज कर दिया है और उसका अपडेट भी हमने वेबसाइट तक पहुंचा दिया है। आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, नया अपडेट के अंदर आप आसानी से कर लोगे। तथा कई साथियों के हमारे पास ये भी प्रश्न आता है कि सर जैसे हमने पहले डेटा की एंट्री कर ली, अब पुनः वापस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार की अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, मेहनत नहीं करनी है। मेरे पास ये मैंने पहले से फिल कर रखे हैं डेटा, अब मेरे पास कोई अपडेट आया है, अब मैं उस पर किस प्रकार से इस डेटा को ले जाऊँ तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से यहाँ आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद जब भी इसको पेस्ट करो इतने डेटे को, तो यहाँ से वापस इतने दूसरी सीट पर ले गए। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल, आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर ये कर्सर चल रहा है। जैसे क्लिक करोगे पेस्ट स्पेशल पर तो एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लिखा होगा वैल्यू, तो आप इस वैल्यू पर क्लिक कर देना है। वैल्यू पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए, ये जितने भी डेटा है यहाँ पर आपके वापस पेस्ट हो जाएंगे। और ये जो पहले से फॉर्मेटिंग है, ये जो कलर है और फॉन्ट के जो कलर है, इसमें किसी प्रकार का कोई तरह का बदलाव नहीं होगा, केवल मात्र वैल्यू आएगी। इस प्रकार से आपके पास जितने भी अनलॉक सेल है वहाँ से डाटा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं न्यू अपडेट पर। वो किसी प्रकार से फिर से नए सिरे से कोई भी टाइपिंग नहीं करना है, केवल मात्र पहले वाले डेटे का कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू पर क्लिक कर उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। साथियों अब तक हमने नर्सरी क्लास से लगाकर क्लास 7 तक, 8 का तो वैसे बोर्ड एग्जाम चलता है इसलिए क्लास 7 तक हमने संपूर्ण एक्सेल सीट रिजल्ट सीट तैयार कर दी है और उसके न्यू अपडेट भी
आज दिनांक तक आपको उपलब्ध करा दिए हैं। अब आगे आने वाले समय में आपको क्लास 9 और क्लास 11 की रिजल्ट सीट भी प्राप्त हो जाएगी। हमारे पास समय कम है, उस कम समय को भी हम मैनेजमेंट करते हैं और जो अन्य हमारा जो टाइम है जैसे सोशल मीडिया हो या अन्य कोई चीज़ है उसको इग्नोर करते हैं। और टीवी वगैरह भी हमने देखे हुए 4-5 साल हो गए, टीवी भी नहीं देखते हैं। वो जो टाइम हमारे पास बचता है वो टाइम हम सिर्फ आपके लिए लगाते हैं और आशा करते हैं कि बहुत कम समय में आपको क्लास 9 और 11 की रिजल्ट सीट भी तैयार कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस चैनल को मोटिवेट करें, इस चैनल को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं तथा सब्सक्राइब करें। हम जितना एफर्ट जितनी मेहनत आपके लिए करते हैं उतना आपकी तरफ से मिलता नहीं है। अगर आपका हमारी मेहनत का सिर्फ 10% भी आपसे मिल जाए तो भी हमें बहुत खुशी होगी। अब देखते हैं आपका कैसा सपोर्ट रहता है। हम इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।